फ्रेंड्स, अशोक लेलैंड के फरवरी मंथ के ऑटो सेल्स डेटा आ गए और ये लगातार दो तीन महीने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा दिखा रहे हैं। जो कि पिछले साल फरवरी में 4,706 यूनिट बेचे थे मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल ट्रक्स के, वो इस साल 44% बढ़कर 6,790 रहे। और इसके अलावा बसेज में हमने देखा है लगातार दो तीन महीने से इसमें परफॉर्मेंस खराब दिख रहा है, यानी कि सेल्स घट रही। जो पिछले साल 2039 के आसपास बस की सेल थी वो घटकर 324 रह गई। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, डोमेस्टिकली बस का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा लार्ज कॉमर्शियल व्हीकल जो पिछले साल फरवरी मंथ में 3,867 यूनिट बेचे थे वो 46% बढ़कर 5,662 रहे। और टोटल डोमेस्टिक सेल्स फ्रेंड्स 12,776 यूनिट रहे, जो कि 20% की ओवरऑल बढ़त दिखा रहा है। और इसके साथ एक्सपोर्ट और जोड़ दे तो टोटल 13,703 यूनिट, यानी कि डोमेस्टिक और बाहर के देश में जो भी एक्सपोर्ट किए वो यूनिट एक टोटल अगर हम देखें तो 13,703 यूनिट है। और ये ओवरऑल 19% की सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अशोक लेलैंड के ये सेल्स डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।